एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, आखिर क्यों निमृत कौर आलूवालिया को प्रियंका चाहर चौधरी के बदले चुनना पड़ गया है अब एकता कपूर को भारी। जी हां, आखिर क्यों एकता कपूर को लगातार सोशल मीडिया पर निमृत कौर आलूवालिया की वजह से ट्रोल होने पर मजबूर किया जा रहा है। जी हां, से ये खबर सामने आई है कि प्रियंका चाहर चौधरी नहीं बल्कि निमृत कौर आलूवालिया को अपनी ऑल्ट बालाजी फिल्म लव सेक्स और धोखा के सेकंड सीजन के लिए एक सेगमेंट में कास्ट किया है निमृत को और ना कि प्रियंका को। उसी के बाद से ही ट्विटर पर बहुत ही ज्यादा ट्रोलिंग का सामना यहां पे एकता कपूर को करना पड़ रहा है। जी हाँ, निमृत कौर आलूवालिया की वजह से अब बुरे तरीके से फंस चुकी हैं एकता कपूर, परेशान हो चुकी हैं एकता कपूर, वो भी सिर्फ एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर मुसीबत का पहाड़ गिर गया है एकता के ऊपर। वेल दोस्तों, क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से, लेकिन उससे पहले चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूले। वेल दोस्तों, बिग बॉस 16 के घर के अंदर एकता कपूर पहुंची है, दो चीजों को करना चाहती हैं कास्ट, यानी कि अपने एक तो टेलीविजन सीरियल नागिन 7 के लिए वो एक नए फेस की तलाश में है, तो वहीं दोस्तों ऑल्ट बालाजी फिल्म में नजर आने वाला है एक बार फिर से लव सेक्स और धोखा का सेकंड सीजन, जिसके लिए वो कास्ट करना चाहती हैं बिग बॉस 16 से एक हीरोइन। दोस्तों ऐसे में आपको बता दे, जब प्रियंका चाहर चौधरी को एकता कपूर ने नागिन 7 के लिए फाइनल किया है, तो वहीं निमृत कौर आलूवालिया हुई है लव सेक्स और धोखा फिल्म के लिए साइन, और यही वजह है कि लगातार सोशल मीडिया पर हेविली ट्रोल हो रही है एकता कपूर। बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है एकता को, जिसके बाद खबर है कि शायद निमृत को वो हटा सकती हैं और उनके साथ की हुई डील को भी वो कैंसिल कर सकती हैं। लगातार लोग कह रहे हैं कि आखिर क्यों प्रियंका के बदले उन्होंने निमृत को चुना, आखिर क्यों प्रियंका उन्हें फिल्म के लिए सही नहीं लगी बल्कि एक सीरियल के लिए सही लगी, ये नाइंसाफी है। इस तरह से लगातार लोग ट्रोल कर रहे हैं कहकर एकता कपूर को। आप क्या कहेंगे हमें अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।